वेलकम बैक टू माय चैनल लुक ब्यूटी साइन ब्यूटी। कैसे हो आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज की टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए कि आज मैं क्या करने वाली इस ब्लॉग में। जी हाँ, मैं अपने डॉगी को आज नहाने वाली हूँ। एक्चुअली जो मेरा ब्लॉग जो देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, वो फीमेल है। और जब भी मैं उसे नहाती हूँ तो नहाती तो ठीक से, बट वो कुछ कुछ पार्ट को छूने नहीं देती। जैसे वो अपने पैर को नहीं छूने देती, अपनी पूँछ को नहीं छूने देती, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है मुझे उसे नहाने में। इसके लिए एक मास्क मंगाई हूँ। जी हाँ, मैं सोची जरा ट्राई करती हूँ मास्क लेके, शायद मास्क लगा दूँ तो शायद वो मुझे अच्छे से नहाने दे। तो ये मास्क मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये देखिए। मुझे इसका प्राइस आई थिंक 185 में मुझे मिला था। तो ये बिग साइज़ के डॉगी के लिए है ये मास्क। देखते हैं काम करता है या नहीं, मंगाई तो हूँ पर देखते काम करता है या नहीं। ये देखिए इस तरीके से है, प्लास्टिक का है। और मैंने शैम्पू मंगाया था क्योंकि इसका शैम्पू ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने दोबारा मंगाया फ्लिपकार्ट से ये शैम्पू। और ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है, इससे अगर आपके डॉगी को कीड़े वगैरह हो गए हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर ईची की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। तो मैं यही शैम्पू यूज करती हूँ, ये देखिए ये वाली शैम्पू। तो चलिए फटाफट से अब डॉगी को नहाते हैं। और मेरे डॉगी का नाम है लूसी। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो मैं बताई हूँ बहुत बार इस बारे में। तो मेरे डॉगी का नाम है लूसी, तो चलिए उसे नहाते हैं। We'll be right back.
मैंने इसे मास्क पहनाया था लेकिन फिर भी ये गुर्रा ही रही थी मुझ पे, तो पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। अभी तो फिर भी मुझे थोड़ा डर लगता ही है ना कि कहीं ना मास्क खैर ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते करते आदत पड़ जाएगी उसे मास्क लगा के नहाने का। तो अभी मैं मास्क उतार दी हूँ इसका और मैं इसी तरह नहा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मास्क में ये कम्फर्टेबल फील कर रही है, तो फिर भी मैं धीरे धीरे ट्राई करते रहूँगी। You know.
For sure.